ऑलमोस्ट हम लोग बंजी कॉर्ड वॉर्ड लगा लिया है, ऑलमोस्ट भैया भी पैक कर चुके हैं। फिलहाल हम लोग कर रहे बाइक को कोल्ड स्टार्ट। क्या लगा हुआ है गाड़ी, मेरे पहचान में नहीं आ रहा। देखो देखो ये सब देखो, यहाँ से अभी हम लोग निकल जाएंगे सुबह ही सुबह। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बज रहे सुबह के ऑलमोस्ट 6। मैं मेरे भैया गिल गाड़ी चला चला रेल स्कूल में बेसक पास को नहीं मारे आगस। सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अवर न्यू एपिसोड। एंड ये दीघा की लास्ट एपिसोड होने वाली है, बिकॉज द थिंग इज गाइस, आज हम लोग का फाइनली हमारा लास्ट डे है दीघा में। एंड यहाँ से अभी हम लोग निकल जाएंगे सुबह ही सुबह। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बज रहे सुबह के ऑलमोस्ट 6। एंड वेदर चेक करें गाइस, फिलहाल वेदर तो बहुत ही सही है सुबह का, मस्त ठंडे ठंडे में ना निकल जाएंगे हम लोग। जितना जल्दी हम लोग वेस्ट बंगाल क्रॉस कर लेंगे ना, उतना जल्दी उड़ीसा का थोड़ा सा पैच है तो वो भी कवर अप कर लेंगे। तो फटाफट से गाइस अभी निकलते हैं एंड आपको दिखाते हैं गाइस बाइक में। फिलहाल बाइक को करेंगे कोल्ड स्टार्ट एंड मिलते हैं आपसे। सो फाइनली हम लोग पहुंचे थे बाइक के पास एंड हम लोगों ने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बंजी कॉर्ड वॉर्ड लगा लिया है, ऑलमोस्ट भैया भी पैक कर चुके हैं। फिलहाल हम लोग कर रहे हैं बाइक को कोल्ड स्टार्ट एंड फिलहाल सुबह का मौसम कुछ इस तरीके का है कि भाई मज़ा आएगा, ठंड ठंड में हम लोग निकल जाएंगे। तो फिलहाल हमारा होटल नील समुंदर गाइस, बहुत ही अच्छा सर्विस है होटल का। तो फिलहाल के लिए यहाँ से निकलते हैं एंड चेकआउट करते हैं गाइस। सो फाइनली अभी हम लोग निकल रहे हैं। फिलहाल गाइस जय श्री राम, हमारी राइड सक्सेसफुल हो जाए कंप्लीट। तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं। तो सुबह का है ना फुल पावर, आप एकदम रेडी वेडी होके एकदम मस्त नहा धो के निकल जाओ, पूरा मज़े आ रहे भाई राइड के। हाँ अभी हम लोग यहाँ से लेना है लेफ्ट एंड हम लोग चढ़ जाएंगे हाईवे पे। वाओ ओपी बाय ओपी, क्या ही वेदर है। और इसी के साथ हम लोग 52 किलोमीटर कंप्लीट कर चुके हैं और बारिश शुरू हो गई है, बूंदाबांदी बारिश है। फिलहाल हम लोग पहुँच चुके थे जलेश्वर एंड हमें अब ऊपर से जाना है बारीपादा के लिए, तो इसके लिए हमें हाईवे में चढ़ना पड़ेगा। तो बहुत ही सही है, थोड़ा सा ना हवा की टान थोड़ी ज़्यादा है, समझ रहे हो आप। तो अब हम लोग यहाँ से चढ़ेंगे हाईवे पर एंड थोड़ा ना हैजार्ड वेजार्ड जला के ही चलना पड़ रहा है बिकॉज थोड़ा अंधेरा है। ओ भाई साहब, खाली बारिश से निकल जाए बस, और कुछ नहीं है। यहाँ की ना क्या सुंदर रोड है, देख रहे हो, ये हमारी लेन, उसके पार वाली उस पार वाली लेन है एंड आराम आराम से हम लोग चल रहे हैं 60, 40, 50 के हिसाब से। तो फिलहाल आज हमें जमशेदपुर अक्रॉस करना है 12 बजे, क्या बात है, जमशेदपुर पहुंचना है। तो फिलहाल हाईवे का थोड़ा इस टाइप का सीन है कि ऐसे ऐसे छोटे मोटे होटल है, होटल नहीं है ये तो दुकान है टाइल्स वाइल्स का। फिलहाल छोटा मोटा दुकान है, अब हमें खोजना है पेट्रोल पंप बिकॉज हमारे पास है टू पॉइंट ओनली फ्यूल, क्या बात। सो भाई साहब हम लोग बारिश से निकल के यहाँ पे आए थे। एक्चुअली ना क्या हो रहा था, जलेश्वर में पानी गिर रहा था और भयंकर वाला पानी के साथ, ये चेक करो भाई क्या लगा हुआ है गाड़ी, मेरे पहचान में नहीं आ रहा। देखो देखो ये सब देखो, और मेन दिक्कत है ना गाइस, पानी आने में ना हम लोग गोप्रो भी नहीं भिगा सकते। ऑलमोस्ट अभी 42 किलोमीटर भाड़ाघोड़ा है एंड अभी हम लोग डायरेक्ट भाड़ाघोड़ा से डायरेक्ट घाटशिला से डायरेक्ट घर। तो ऑलमोस्ट आई थिंक 142 मान के चलो, 150 किलोमीटर और राइड करना है हमें। तो चलते हैं फटाफट से अपना 150 किलोमीटर कवर अप करते हैं। फिलहाल हम लोग रुके थे यहाँ पे अपना थोड़ा सा नाश्ता वास्ता करने, दैन मिलते हैं आपसे फटाफट। हम लोग निकले थे होटल से, फिलहाल भाई क्या ठंड हो रही है आज ना मौसम बहुत बढ़िया है, फिलहाल राइड वाला मौसम है, बट ये है कि थोड़ा अगर पानी गिर गया तो फिर तो दिक्कत है। फिलहाल रोडों में इतनी खुशी थी ना भाई, आज भी जाते समय भी और दीघा में भी बहुत ही मज़ा आया इस बाइक ट्रिप पे। होप गाइस आप लोगों को एपिसोड्स पसंद आ रहे होंगे एंड हम लोग ऐसे ही नया नया फिर एपिसोड्स लाएंगे
एंड अभी तो फिलहाल हम लोग बाड़ा घोड़ा के लिए निकल चुके हैं, 38 किलोमीटर बाकी है फिलहाल। राज भैया थोड़े से पीछे हैं। ओके, आने दो राज भैया को। तो मैं आपको बता रहा था ना कि जमशेदपुर यहाँ से 123 किलोमीटर है, ये चेक करो, आपको बोर्ड दिख रहा होगा NH18। फिलहाल हम लोग 123 किलोमीटर दूर हैं जमशेदपुर से। फिलहाल अभी हमें मैप के हिसाब से कंप्लीट करना है 31 किलोमीटर। फाइनली गाइज, अभी हम लोग मोटो व्लॉगिंग नहीं कर रहे थे बिकॉज द थिंग इज भाई साहब क्या पानी गिर रहा है रोडों पे। एंड अभी फिलहाल हम लोग हैं यहाँ पे घाटशिला पार कर करके, अभी दोनों टॉल पार कर चुके हैं। फिलहाल हम लोग अभी जाएंगे डायरेक्ट घर एंड आपको दिखाते हैं, आपको बताएंगे हमने फील किया एंड इस राइड में कितना मज़ा आया गाइज। वो फटाफट करते हैं। सो बॉयज़, हम लोग अभी फिलहाल राइड करके पहुँचे थे घर एंड द थिंग इज गाइज, अभी ऑलमोस्ट फ्रेश हो के हम लोग गाइज ये व्लॉग शूट कर रहे हैं। फिलहाल गाइज ये था कि आज का सीन ये था कि भाई पानी में ना पूरा व्लॉगिंग थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो गया। हमने थोड़ा थोड़ा शूट भी किया था, जो जो चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई, इसीलिए हम लोग GoPro ऑलमोस्ट बैग में रख चुके थे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि भाई बारिश के चक्कर में GoPro भी ख़राब हो जाए। इसीलिए गाइस थोड़ा थोड़ा फुटेजेस हमने लिया जो जो रोड में हमें दिखा। फिलहाल बहुत सारा रिएक्शन भी मिला था हमें, बट हम लोग कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास GoPro माउंट नहीं था। ऑलमोस्ट 273 किलोमीटर की थी एंड ऑलमोस्ट हम लोग कवर किए हैं ऑलमोस्ट पूरा पूरी ये 4 से 6 घंटे में, राइट। एंड ऑलमोस्ट हम लोग आराम से गए थे बहुत जगह, खाना वाना खा के आराम से अपना काम करके, क्योंकि अब हमें ब्लॉगिंग के साथ साथ वीडियोस भी डालना था, अपलोड भी करना था एंड हमें उस टाइप का वाईफाई एंड ऑल दैट थिंग हमें प्रोवाइड नहीं हो पा रहे थे, बट फिर भी चल गया भाई, बहुत ही सही था। होटल भी बहुत ही अच्छा था, होटल नील समुंदर में हम लोग रुके थे एंड आई फील लाइक भाई कि वो होटल ना बहुत ही सही जगह पर भी था, क्योंकि ऑलमोस्ट वहाँ की लोकेशन एंड बीच की लोकेशन ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में भी नहीं है, तो मज़ा आया। बट और भी आगे भी राइड आते रहेंगे हम हमारे व्लॉग मोटो व्लॉगिंग से रिलेटेड, तो हम लोग देखते हैं गाइस। कमेंट करो नेक्स्ट राइड कहाँ की मारे, क्योंकि वेस्ट बंगाल का तो था ही था एंड नेक्स्ट राइड आप लोग बताओ गाइस कहाँ की मारे एंड जहाँ जनता बोलेगी वहीं हम लोग जाएंगे। फिलहाल गाइस इस वीडियो को यहीं पर ही कर देंगे एंड बिकॉज द थिंग इज गाइस अभी हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं एंड ऑलमोस्ट बाइक भी चला गया है वॉशिंग में एंड आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाते हैं गाइस बाइक की वॉशिंग कराएंगे एंड ऑलमोस्ट देखते हैं कुछ प्लान करते हैं नया राइड के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं एक नए धड़कते भड़कते ब्लॉग में। टिल देन बी सेफ एंड राइड सेफ गाइस।